हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो यहाँ पर भी आई थिंक थोड़ा सा वॉइस का इशू है क्योंकि म्यूज़िक आ रहा है, इसलिए मुझे यहाँ बनाना पड़ रहा है। बट आई थिंक मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूज़िक हो रहा है। येस, सो दिस इज़ गोना बी लाइक माई गो टू एवरी डे मॉल आउटफिट और समथिंग एल्स प्लेसेस ऑल्सो कैन बी देयर। दिस इज़ रेडी टू गो आउटफिट एनी वेयर, राइट गाइज? सो वॉट your views about this outfit, because I am pretty sure about this outfit that I can wear this outfit anywhere I just want to go. So let's start with this cute top that is a woolen top. I'm not sure about this fitting because I think ये थोड़ा size बड़ा है मुझसे, but yeah, आजकल size बड़े ही थोड़े comfortable लगते हैं पहनने में। So I think this gonna be cute top, right? Because ये मैंने अभी try किया है और ये मेरे size से थोड़ा सा बड़ा है, but I think yeah, that is comfortable, so I just love it. नाउ ट्राइंग द सेकेंड वन, एंड ये मेरे साइज़ का है बट ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा है आई बिलीव, क्योंकि ये इसमें मैं बहुत मोटी लग रही हूँ, सो आई एम नॉट श्योर। This corner, just look at this corner, they have some really cute and floral style tops and dresses. Yeah, I just love this corner, and I have taken two dresses from this corner, so I'm just gonna try that, and yeah, we'll let you know the feedback. So yeah, let's go. दिस इज़ द फर्स्ट ड्रेस, बट टू बी फ्रैंक मैं बताऊँ तो मुझे ना ऑफलाइन चीज़ें इतनी कुछ खास पसंद वसंद नहीं आती हैं, मतलब मुझे ऑनलाइन ही अच्छा लगता है, बट यूट्यूब के लिए करना पड़ता है कि चीज़ें देखो, ट्राई करो, ख़रीदो। तो वैसे ये प्राइस के हिसाब से बहुत ही ओवर लग रहा है, ओवर प्राइज्ड है। बाकी ड्रेसेस ओके है, फाइन, बट प्राइस जो है इसका वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब 1200 समथिंग, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा लगा। सो बट ट्राई करना था, इसका फीडबैक और रिव्यू शेयर करना था। ड्रेस वाइज दिस इज़ क्यूट, प्रिटी गुड, मतलब हम अच्छी सी जगह पे कोई बहुत ही सुंदर सी वाइब में ये ड्रेस पहन सकते हैं, बट या प्राइस बहुत ज़्यादा है। सो आई एम नॉट श्योर इसको मैं ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, क्योंकि इसी प्राइस पे मुझे ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो लेट्स ट्राई द सेकेंड वन। आई लाइक दिस कलर, आजकल मुझे ये कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। इवन मैं कुछ भी ख़रीद रही हूँ तो मैं यही कलर चूज़ कर रही हूँ, अपने लिए भी और अपने घर पे किसी के लिए भी, तो मैं यही कलर चूज़ कर रही हूँ। आई जस्ट लव दिस कलर, और इसकी जो वाइब है वो
बहुत ही प्यारी होती है, मतलब इसको पहन के इतना अच्छा, और इसकी फिटिंग भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो प्राइस सेम है दोनों का, क्योंकि डिज़ाइन भी सेम है, बट इसकी फिटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। सो येस, मे बी ये वाली मैं ले लूँ शायद। और ये जितनी भी ड्रेसेस की चीज़ें हैं, मतलब मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया है, सो दिस इज़ फॉर माई अपकमिंग ट्रिप्स। तो मैं उस ट्रिप में ही अपनी चीज़ें शेयर करूँगी, मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया है। सो जस्ट विल से स्टे ट्यून्ड फॉर टू सी माई अपकमिंग ट्रिप्स एंड माई ड्रेसेस, कि मैंने इसे क्या लिया है क्या नहीं लिया है। सो या आई कैन से ओनली दिस। लास्ट वन आई पिक दिस स्वेटर, नॉट स्वेटर आई बिलीव जैकेट, येस दैट इज़ अ वुलन जैकेट। और ये बहुत वार्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, इवन मतलब इससे पहन के मुझे बहुत गर्मी भी लग रही थी। तो ये तो मैं मतलब ये जैकेट तो बहुत अच्छी है नो डाउट, बट अभी मौसम वसम इसका चला गया है, तो इतनी ज़्यादा गर्म चीज़ मैं पहनना पसंद नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ मनी होगा। बट येस, तो जैकेट इज़ रियली सो गुड, और ये लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। मुझे ऐसी जैकेट ना बहुत टाइम से लेनी थी, बट अभी ये है कि पता नहीं मैं हो सकता है नेक्स्ट सर्दियों के लिए इसको ले लूँ। बट दिस वन इज़ ग्रेट, मीन्स इसको पहनकर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, एंड ये हिल स्टेशन वगैरह के लिए अच्छी है। सो येस, थम्स अप। So this was the end of the video. I hope you liked it, and yes, if you liked it, please do subscribe and like this video. Yeah, thank you so much. Bye bye.